हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो देख सकते हैं आज मैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। तो यहाँ पर नेपाल का सबसे फेमस कोसी बैरेज जो होता है, नेपाल में जो है कोसी बैरेज, वहाँ उधर का फिश है, ये मछली है। तो कोसी का ये कोसिया मांस इसको बोला जाता है, कोसिया फिश है ये। तो ये ना बड़ा है ना छोटा है, मीडियम साइज है इसको, मीडियम साइज, और टेस्ट लाजवाब होता है। तो इसको अच्छा तरह से पहले मैंने धो ली और मैरिनेट कर लिए हैं, इधर कढ़ाई भी चढ़ा दी, ऑयल भी डाल दी गर्म होने के लिए। इधर मैरिनेट में मैंने ये जो है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक, ये सब डालकर, और सब थोड़ा सा लहसुन सब डालकर इसको पहले अच्छा तरह से मैंने मिला लेती हूँ तलने के लिए। तो ये मांस खाइएगा फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी होता है ये। इधर नेपाली में पाया जाता है कोसी बैरेज का मांस, ठीक है। ये मांस खाने का क्या बताऊँ, जो खास का, तो ये मछली का स्वाद बहुत टेस्टी होता है। ये मेरी दीदी है, यही बना रही है, में आ जाता है मछली मेरी दीदी, कुछ मतलब दीदी का कोसी का कोसिया माछ है, खाएंगे तो आइए हमारे घर। हम लोग यहाँ पर फुल एंजॉय कर रहे हैं, और आप सब भी कीजिए, आइए हमारे घर। ये मेरी छोटी बहन है, कलकत्ता से आई है हमारे नेपाल घूमने के लिए। मैं नेपाल में रहती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, अच्छा तरह से मैरिनेट कर ली मेरी दीदी। अब यहाँ पर तो मैरिनेट हो चुका है यहाँ पर, इधर तेल भी गर्म हो चुका है। तो मैंने जितना फिश है वो 4 पीसेस अभी डाली हूँ, क्योंकि इस ज़्यादा डालने से ना टूटने का डर रहता है फिश, इसीलिए थोड़ा ही डाली हूँ ये मछली। तो ये मछली को मैंने लाल से पलटा ली इधर उधर, देख सकते हो, कोई बगल से पलटा कर रेड कलर हो चुका है लाल। उसके बाद मैं निकालने वाली हूँ, तो ये बहुत टेस्टी होता है, आप लोग से दिखाइएगा कि ये फिश रेड कलर हो चुका है, लाल हो चुका है। आप लोग के उधर समुद्र है, हम लोग को इधर इंडिया में बहुत बड़ा समुद्र, इसीलिए उधर का बड़ा बड़ा मछली होता है। इधर मैंने वो मसाला के लिए रेडी कर ली, तो जो लहसुन होता है, लहसुन का कली वो छील ली, अदरक का टुकड़ा थोड़ा सा डाल दी। हम इसको मैं रेडी कर लेती हूँ मिक्सी जार में पीसने के लिए। मेरा जितना फिश है सारा के सारा फिश मैंने तल ली, देख सकते हो कितना अच्छा क्रिस्पी रेड लाल लाल मैंने तली हूँ, बहुत अच्छा तरह से। तो मेरा फिश सारे के सारे फिश तला चुका है, अब मैं इसको झोल लगाने के लिए, देख सकते हो बहुत टेस्टी है। और ऐसे भी आप खा सकते हो चावल के साथ में, दाल भात के, दाल चावल के साथ में दो मछली डालकर खा सकते हो तले हुए। अब इधर जो है मैंने मसाला भी रेडी कर ली हूँ, सरसों है, प्याज है, अदरक है, लहसुन है, सारे के सारे इसमें मसाला है। तो ये मसाला भी रेडी हो चुका है, उधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। इधर तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल, थोड़ा सा ऑयल था, मछली तले हुए थे उसी ऑयल में मैंने जीरा तेजपत्ता में तो डाल दी थी, पर ऑयल का कमी लगा तो थोड़ा ऑयल भी मैंने डाल दी उसी में। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा मेथी डाल दी फोरन में, मेथी सबका अपना अपना स्वाद होता है, पर हम लोग सब डालते, थोड़ा सा हींग भी डाल दी, क्योंकि मछली का हींग बहुत टेस्टी होता है। हम तो नहीं डालते थे, पर ये मेरी दीदी डाली है, क्योंकि उसे अच्छा लगता है मेथी जब थोड़ा सा हींग, तो इसलिए। इधर मैंने देख सकते हो कि मसाला डालने के बाद हल्दी पाउडर सब डालकर और थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। अब इसको भूनेंगे मसाला को, अब थोड़ा सा ये इसमें गर्म मसाला है, और धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, सारे के सारे इसी में मैंने डालकर अच्छा अब पूरा रेड होने तक भूनेंगे। क्योंकि जब तक आप सरसों अच्छा से नहीं भूनिएगा ना, टमाटर को
एक टमाटर है। गर्मी का मौसम आ गया है, ज़्यादा खट्टापन हो जाएगा तो मछली ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए टमाटर थोड़ा कम ही मैंने डाली है। इस एक ही टमाटर डाली इस बार, तो इसको मैंने पहले भून लेती हूँ अच्छा तरह से। और मेरे पुलाव में बने रहिएगा, मेरा भुना चुका है मसाला, अब मैंने इसमें झोल लगा दी। अब अपना पतला खाने का इच्छा है और या वो गाढ़ा खाने का इच्छा है तो अपना स्वाद अनुसार टेस्ट अनुसार अपना पानी डालिएगा जितना हो। तो मेरा मछली मैंने खसा दी, मेरा मछली खसाने के बाद अब देख सकते कितना खिला खिला कलर है मछली का, बहुत टेस्टी बना है मछली। ये मछली आप लोग भी खाइएगा, उंगलियाँ चटले रह जाइएगा, थोड़ा भात खाने के बदला बहुत सारा भात चावल खाइएगा। फ्रेंड्स, हम लोग को गांव देहात में ऐसे ही बोला जाता है, भात चावल को भात बोला जाता है, मछली को माछ बोला जाता है, तो सॉरी हम लोग को देहात का ऐसे ही भाषा है। तो आई होप मेरा मछली आप लोग को अच्छा लगा हो। मेरा खाना निकल चुका है, देख सकते हो कि कटोरा में मेरा मछली है, चावल है, उधर भिंडी का भुजिया है। तो अगर मेरा मछली रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में बताइएगा कि मेरा मछली कैसा बना है। आप लोग सब इंजॉय कीजिए, आप लोग भी इस तरीक़ा से बना कर खाइएगा फ्रेंड्स, फिश बहुत टेस्टी बनता है। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।